हेलो मैम, मेरे को एक कंप्लेन रजिस्टर करवानी है। पायल जोन ऐसी हरकतें क्यों करती हो? दिमाग की कमी है तुमको क्या? पायल जोन ऐसी हरकतें क्यों करती हो? दिमाग की कमी है तुमको क्या? हेल्पलाइन वाले भी इसकी आवाज सुन के बोले होंगे, समझे उनको क्या? तो हो अगले 5-6 मिनट के लिए अपनी परेशानियों की गटरी बनाओ और फेंक दो एंजॉयमेंट की नदी में, बिकॉज तुम्हारा भाई आ गया न्यू वीडियो लेके। डॉक्टर फ्लेम इन द फ्रेम गाइस, लेट्स पुट सम फ्लेम्स इन द वीडियो। हमने लेके तुम लोगों को समझ आ गया होगा आज की वीडियो किस पे होने वाली है, फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले फुकरा इंसान ने पायल जोन के ऊपर एक डिस्ट्रैक्ट निकाला था। डिस्ट्रैक्ट तो क्या ही था, वैसे सच्चाई बताई थी। और फिर उसके बाद हमारा पायल जोन नाम का पोकेमोन आ गया अपनी फाइनल फॉर्म में और अपने चमत्कार दिखाने शुरू किए। और अब मैडम का कहना है कि इन्होंने फुकरा इंसान के ऊपर केस कर दिया है, तो आइए इनकी वो वाली वीडियो देखते हैं। तुम लोग आ जाओ सब्सक्राइब बटन खोल के अंदर, तो चलो डालते हैं इस पोकेमोन को बॉल के अंदर। एंड मुझे ये लाइन सुन के लिटरली बहुत ज्यादा दुख लगा, इतना ज्यादा डबल मीनिंग एंड गंदी लाइन थी ये कि मैं आपको क्या बताऊं। पहली चीज तो ये जो बात बताने के लिए तूने वीडियो ऑन करी है वो बात बता, और दूसरी एक पर्सनल बात मैं तेरे मम्मी पापा को कहना चाहूंगा। अंकल आंटी सैल्यूट है आपको, आपने ऐसे एलियन इतने सालों से संभाल रखा है घर में, बस इससे फोन छीन लो। इमोशनल डैमेज, ये बंदी रॉन्ग नंबर सबने मारी है बहुत, इसे खुद भी पता है तभी कमेंट्स है ऑफ। गाइज आपने ये लाइन सुनी, इस लाइन में फुकरा इंसान ने कुछ ऐसा बोला है कि सबने मारी है बहुत, एंड फुकरा इंसान बहुत ही प्राउडली ये गाना गाए थे, बहुत ही प्राउडली ये सब गाना उन्होंने निकाला, एंड उन्हें जरा भी शर्म नहीं आया ये सब लाइन बोलते हुए। अरे 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 देखो छिपकली सी शक्ल की कैसे चिढ़ गई अगर उसने एक बार अपनी वीडियो में तेरे को मारने की बात कर दी तो। और जो तू आए दिन अपनी वीडियो में हर यूट्यूबर को मारती रहती है, वो तेरा तो पूरा यूट्यूब चैनल ही दूसरे यूट्यूबर्स के फेक जनाजे उठाने पे चल रहा है। ये तो वही बात होगी, तू करे तो स्वीट एंड सोबर और अगला कर दे तो गुड गोबर। तेरे को रोस्ट करते हुए ये लाइन अपने आप अंदर से आ गई, स्क्रिप्ट में थी भी नहीं है। तेरा और गोबर का कितना अच्छा रिलेशन है पता लग गया। और मैडम कह रही है फुकरा इंसान को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। ना ना ये बात तो मैं राइमिंग में बताऊंगा भाई, दिल नहीं मानेगा उसके बिना। तो टाइम फॉर राइमिंग गाइस। फुकरा इंसान को बता रही है जबकि तुझे खुद को आनी चाहिए शर्म। फुकरा इंसान को बता रही है जबकि तुझे खुद को आनी चाहिए शर्म। एक बार मेरा रोस्ट वीडियो देख ले, तुझे ना दुआ लगेगी ना मरहम। हेलो हेलो मैम, हाय हाय हाय, हंसी देख रहे हो लड़की की। मैं बता रहा हूँ इसने दूसरी तरफ भी अपनी सहेली बिठा रखी है, कोई महिला हेल्पलाइन में कॉल नहीं किया भाई। ये तुम्हारा और मेरा वही बनाने की कोशिश कर रही है जो तुम सोच रहे हो। मतलब खुद के जैसा बनाने की कोशिश कर रही है हमें। और अगली कह रही है कि मैंने बहुत उम्मीदों से तुम्हें कॉल किया है, मुझे गाइड करिए। मैम एक्चुअली मैंने काफी उम्मीदों से कॉल किया, अगर आप मुझे थोड़ा मतलब गाइड भी कर देते कि कैसे क्या करना है मतलब। नहीं उम्मीदों से तो तेरे माँ बाप ने भी तुझे पैदा किया था, तू खरी उतरी उनकी उम्मीदों पे। बेचारे छुप छुप के और भागते होंगे कि इसे कॉन्टेंट नहीं मिला तो अगले वीडियो में हमें ना मार दे। और अगर अपनी सहेली से ये सब पूछना ही था तो कम से कम पहले उसे स्क्रिप्ट तो बता देती कि मैं तेरे से ये पूछूंगी, इसके जवाब में तूने ये बोलना है। वो बेचारी अलग बोल रही होगी, नहीं स्क्रिप्ट वाले क्वेश्चन पूछा कर। और इसके बाद इसकी फ्रेंड की इससे बहुत गंदी लड़ाई हुई होगी, और उसके बाद रिजल्ट पता क्या आएगा, पहले अगली वीडियो में अपनी सहेली को मार देगी। ओके सो गाइज, मैंने अभी तक ये जो किया था ये सब एक प्रैंक था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एंड मैंने किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं लिख पाई है। नहीं मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ, ये अभी तक ये सोच रही थी कि हम इसे असली मान रहे हैं। निपाल मुझे एक बात बता, तू हम लोग को सी समझती है या फिर तू ये बता रही है कि तू बहुत बड़ी है? अगर तू कर रही है तो अपनी मेहनत वेस्ट मत कर, सबको पता है तेरे कारनामों से वैसे पता लग जाता है तू है, तो मत कर, हो गया। तो तेरी उसी मेहनत के लिए मैं तुझे एक राइमिंग डेडिकेट करना चाहूंगा, पेश है राइमिंग। पायल तू और जोगिंदर मुझे सेम लगते हो क्योंकि वो एक बवंडर है। पायल तू और जोगिंदर मुझे सेम लगते हो क्योंकि वो एक बवंडर है, और तू भी उससे कुछ कम नहीं है क्योंकि तू तो पूरे का समंदर है। एंड वो मजाक में था मस्ती में था तो चलता है, बस मैंने ये वीडियो बना दी, मैंने सोचा एक प्रैंक टाइप की वीडियो बना देते तो मैंने बना दी, एंड ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कभी किसी की वीडियो से बुरा नहीं लगता है, वैसे बुरा तो लगता है कुछ लोग। एक मेरा मैथ वाला सर था, वो मुझे अलग पागल बनाता था कि राजू के पास 2 टॉफियां हैं तुम मान लो, और एक ही अलग यहाँ पे शुरू हो गई है कि मैंने प्रैंक किया है मान लो। अबे कैसे मान ले, प्रैंक का कोई सिर पैर तो होना चाहिए, मतलब तेरा टाइटल ही इसलिए क्लिक करते हैं ताकि तुझे रोस्ट कर सकूं। जब मेरे पास कंटेंट नहीं होता मैं तब तेरे चैनल पे आता हूँ। और बंदी खुद ही में कंफ्यूज बैठी है, मुझे बुरा लगता है, हाँ नहीं मुझे बुरा तो नहीं लगता है, डिसाइड कर लो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, पर जाते जाते पायल तेरे पे एक और राइमिंग तो मैं मार के जाऊंगा, शगुन समझ ले। कि सबके जनाजे अकेले उठा लेती हो छोटा हाथी हो क्या, कि सबके जनाजे अकेले उठा लेती हो छोटा हाथी हो क्या, यूट्यूब पे आके इतना हकती हो नाश्ते में जमाल घोटा खाती हो क्या।
देखो वीडियो देख के बहुत हंस लिया, अब आती है सीरियस बात। नहीं मतलब सीरियस मेरे लिए, क्योंकि तुम तो मजाक में ले जाते हो। नहीं जब मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कर दो, इसको तुम क्या समझते हो भाई? कर दो, व्यूज देखो कितने डाउन जा रहे हैं। नहीं तुम्हारे हाथ में है यार, मैं ये सब सेटअप लेके इतना अच्छी डेडिकेशन से वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आ रही क्या? कर दो यार सपोर्ट भाई को, तुम्हें पता तुम्हारे हाथ में कितनी बड़ी पावर है एक बंदे को सपोर्ट करके ऊपर पहुंचाने की। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। पीस, सब्सक्राइब कर देना। पीस आउट।